हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा राजपूत पोशाक की कांचली की लंबाई गलती से बड़ी हो जाती है, उसको बिना खोले सही किस तरीके से की जाती है, उसकी लंबाई कम किस तरीके से की जाती है, वो आज की इस वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक की मदद से आप आसानी से कांचली की लंबाई कम कर सकते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कांचली की लंबाई है ये हमारे 2 इंच से लंबी बन गई है। हमें क्या करना है, इसकी साइड में ये सिलाई है यहाँ तक खोल देनी है। इस तरीके से पहले मैं यहाँ से उधेड़ देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है इस तरीके से। इस तरीके से उल्टा करने के बाद हमें क्या करना है कि ये सिलाई, ये मगजी लगाई हुई है, इसमें बहुत मेहनत पड़ती है खोलने में, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस मदद से आप आसानी से कांचली की लंबाई कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें नाप लेना है कि हमें कितना इंच कम करनी है बाजू। जैसे कि मुझे 2 इंच कम करनी है तो यहाँ से हमें 1 इंच यहाँ से रखना है, जहाँ पर गुणा निकला हुआ है वहाँ तक, ये देगी इतना हमें ले लेना है, यहाँ तक ये नाप ले लेना। जितनी हमें कांचली की लंबाई कम करनी है उसके हिसाब से हमें यहाँ से आधा ले लेना है। इस तरीके से हमें पकड़ना है और ये जो गुणा निकाला हुआ है, ये दूसरी सिलाई है ना यहाँ पे, इसके ऊपर जस्ट ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें जहाँ पे सिलाई लगी हुई है उसके जस्ट ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है, बराबर रखते हुए। इस तरीके से ये देखिए, मैंने जस्ट ऊपर हमने सिले लगा दिए और ये देखिए इस तरीके से मगजी लगी है, गुणा निकल गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने फोल्ड किया था। इसके बाद हमें क्या करना है, आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे कट कर देता हूँ ताकि ये बाहर ना दिखे। इस तरीके से यहाँ से हमें कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे हमें कट कर देना है। इस तरीके से हम कट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये ऊपर की सिलाई लगा देनी है ऐसे हमें। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा गुणा निकल गया है और ये बाजू भी कम हो गई, और ये देखिए इस तरीके से ये बाजू की लंबाई कम हो गई है। इस तरीके से आप आसानी से बाजू की बिना खोले लंबाई कम कर सकते हैं। और इसके बाद में ये साइड सिलाई लगा देंगे ऐसे हम। ये देखिए ये हमें साइड से ले लग गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी इस तरीके से हमें कांचली की बाजू को कम कर देना है और इसके बाद में हमें ये साइड की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से आप आसानी से राजपूत कांचली की लंबाई को कम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।